मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी। सीबीआई ने दर्ज की एक और एफआईआर। सीबीआई ने अब किस कान में लपेटा? दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। वह पहले से ही शराब घोटाले मामले में जेल में बंद है, वहीं अब सीबीआई ने उन पर एक और एफआईआर दर्ज की है। सिसोदिया पर दर्ज इस नए मामले की जांच के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बहुत पहले ही मंजूरी दे दी थी। सिसोदिया पर दर्ज एफआईआर के मुताबिक उनके समय 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के सलाहकार गोपाल मोहन भी शामिल हैं। ये केस फीडबैक यूनिट को लेकर दर्ज किया गया है। इन सभी पर आईपीसी की कई धाराओं के साथ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। ये मामला आज से नहीं बल्कि 2016 से ही चल रहा है। सीबीआई इस मामले में 2016 से ही छानबीन कर रही है। इसकी जांच की मंजूरी भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने उसी वक्त दे दी थी, जिसकी जांच में सीबीआई ने पाया कि इस फीडबैक यूनिट को बनाने में भ्रष्टाचार किया गया है, साथ ही इसके गठन में नियमों को भी ताक पर रखा गया है। बता दें कि ये जांच दिल्ली सरकार के तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी विजिलेंस के एस मीणा के शिकायत के आधार पर शुरू की गई थी। अब सवाल ये है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल सीबीआई ने अपनी शुरुआती जांच में पाया कि दिल्ली सरकार ने 2016 में फीडबैक यूनिट का गठन किया था। दिल्ली सरकार ने 2015 की एक बैठक के दौरान इस यूनिट के गठन की मंजूरी दे दी थी। ये यूनिट दिल्ली सरकार के अंडर काम करने वाले कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए बनाई गई थी। इस यूनिट के गठन के बाद पहली खेप में 20 वैकेंसीज रखी गई थी। इसके लिए दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग की 22 पोस्ट को खत्म किया जाना था, लेकिन बाद में इसमें बदलाव लाया गया, जिसके तहत एसीबी में 88 पोस्ट पर नियुक्ति का भी प्रपोजल था, लेकिन उसके लिए एलजी की मंजूरी नहीं ली गई थी। वहीं नियमों की माने तो दिल्ली में किसी भी तरह की नियुक्ति के लिए एलजी की मंजूरी लेनी जरूरी है, लेकिन इस मामले में 2015 से जुड़े एक लेटर ने शायद सारा खेल बिगाड़ दिया। ये लेटर दिल्ली सरकार के तत्कालीन सचिव ने लिखा था, जिसके जरिए ये कहा गया था कि दिल्ली से जुड़े मामलों को लेकर दिल्ली के सीएम एलजी को बिना बताए ही फैसला ले सकते हैं। हालांकि उस वक्त ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा था। फिर जब 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद दिल्ली सरकार ने इसकी फाइल एलजी को भेजी, लेकिन एलजी ने नियमों के अवहेलना की हवाला देते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।